राजा सिंह के ऊपर 70 से ज्यादा केसेस है, केसीआर की नमी, केसीआर की खामोशी, केसीआर की ये बिल्कुल ठंडी पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है, और तेलंगाना पुलिस जिसको महमूद अली साहब नंबर वन पुलिस बोलते हैं उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। नंबर वन पुलिस नाहेल पुलिस है इसीलिए क्योंकि एक सही प्रोसीजर से एक आप एमएलए को पकड़ने जा रहे हैं, एक आप पक्के गुंडे को पकड़ने जा रहे हैं, एक आप कंटिन्यूसली जो क्राइम कर रहा है उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास 41 सीआरपीसी की नोटिस नहीं है, आपके पास कोई आप प्रॉपर अप्रोच नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे लोग रिहा हो जाएंगे। तो आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जानिब से एक इजलास रखा गया जिसमें बजनवर की गंदगी राजा सिंह जो गुस्ताख रसूल है उसके ताल्लुक से प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, जो ये गुस्ताखी कर रहा है ये प्री प्लान है, अमित शाह के आने के बाद ये माहौल पूरा स्क्रिप्टेड है। जब राजा सिंह को तेलंगाना पुलिस पकड़ती है तो उसको सही तरीके से प्रोसीजर के मुताबिक ना 41 सीआरपीसी की नोटिस देती है ना कोई लीगल प्रोसेस बराबर करती है, उसको बाइज्जत लेके जाकर बोलाराम पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, वहां से फिर राजा सिंह को मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाके जैसा कि इनका प्लान रहता कि हम पकड़ते तुम बोलो हम पकड़ते जज छोड़ देता, उसको बेल ग्रांटेड हो जाती है। ये तमाम चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए राजा सिंह के ऊपर 70 से ज़्यादा केसेस है और हैदराबाद की अवाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने पर बरहम होकर नौजवान खुसूसी मिल्लत के बुजुर्ग हजरात रात दिन सड़कों पर रह रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप अपना एहतजाज जारी रखिए, हमारी ज़िंदगी ख़ातमुन्नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क़ुरबान, हमारी आल क़ुरबान, हमारी हर वो चीज़ क़ुरबान, मगर आप लोग इसको डाइवर्ट मत करिए। जैसा कि हम पुलिस के गाड़ी तोड़ रहे हैं, दुकानों पे कुछ शरपसंदी कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट रहेगा, नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट डाइवर्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब JAC में आज डिसाइड करें कि पहले इसकी मेंबरशिप जो असेंबली में मेंबरशिप है इसकी, ये मेंबरशिप बिल्कुल इसकी रद्द कराएंगे, JAC का पूरा डेलीगेशन जाएगा, फिर हैदराबाद में बल्कि तमाम तेलंगाना में एक बंद का ऐलान होगा, उसके बाद फिर एक हमारा प्रोटेस्ट ये रहेगा कि हम एक रैली निकालेंगे जो मास रैली रहेगी, जिसको हम दुरूद पढ़ लेते हुए वो रैली को निकालेंगे, चाहे उसमें 100 आदमी रहो, 1000 आदमी हो, लाख रहो या मिलियन रहो, बिल्कुल हम बराबर ख़ातमुन्नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे, बराबर इसको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। राजा सिंह के ऊपर 70 से ज़्यादा केसेस है, KCR की नमी, KCR की खामोशी, KCR की ये बिल्कुल ठंडी पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है, और तेलंगाना पुलिस जिसको महमूद अली साहब नंबर वन पुलिस बोलते हैं उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। नंबर वन पुलिस नाहेल पुलिस है इसीलिए क्योंकि एक सही प्रोसीजर से एक आप MLA को पकड़ने जा रहे हैं, एक आप पक्के गुंडे को पकड़ने जा रहे हैं, एक आप कंटिन्यूसली जो क्राइम कर रहा है उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास 41 सीआरपीसी की नोटिस नहीं है, आपके पास कोई आप प्रॉपर अप्रोच नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे लोग रिहा हो जाएंगे। तो हम डिमांड करते हैं हुकूमत से भी SIT बिल्कुल फॉर्म करिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को रखना चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इसके पूरे तमाम केसों को एक जगह कर फास्ट ट्रैक पर एक कोर्ट कायम कर इसको सजा दिलाना चाहिए, इसका PDR खोलना चाहिए, ना इन्हें समाज में रहने के काबिल है, ना हमारे हिंदू भाइयों के साथ रहने के काबिल है, ना इंसानों के साथ रहने के काबिल है, यहां तक के बदजनवर के साथ भी रहने के काबिल नहीं है। अगर इसको बदजनवर भी बोल रहे हैं तो बदजनवर की बेइज्जती है, इन्हें बिल्कुल अशरफुल मखलूकात में से है ही नहीं। तो मैं आप तमाम को यही बोलूंगा कि पुरसुकून प्रोटेस्ट करिए, अभी जो JAC का जो भी डिसाइड होगा वो मीडिया में बिल्कुल शाया हो जाएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जाएंगी JAC, बिल्कुल डिमांड कर रही है, और जो हुकूमत में MLAs है, जो मुस्लिम MLAs है, MPs है, हम उनको भी यही बोल रहे हैं कि अगर अब नहीं जगेंगे तो उसके बाद आपके लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। मैं उलमाओं से भी उम्मीद रखता हूँ कि आगाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आपकी ज़िंदगी है, अगर आप इस वक्त नहीं उठेंगे, अगर इस वक्त हिदायत के इंतज़ार में रहेंगे, तो फिर आपके जो तीन सवाल है उसमें से आप एक सवाल में फेल हो जाएंगे। मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबीयू का, में अगर आप नबी के नहीं होंगे दुनिया में तो फिर खबर में क्या जवाब देंगे, ये आपको डिसाइड करना है। उनको देना चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है और ईमान एक अलग चीज़ है। अगर आपके पास ईमान नहीं है तो आप इंसान नहीं है।
अगर आप अगर अपने मजहब के नहीं है तो आप किसी के नहीं है। तो जब आप अपने मजहब के नहीं होते, अगर चाटोकारी में लगे हुए हैं, तो आपका अल्लाह ही निगेबान है।